नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 फरवरी को राजनांदगांव और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम। विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में शामिल होंगे। राजनांदगांव के भर्रे गांव में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पुण्यतिथि और मिलन सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे सीएम। तर्रा में चंदूलाल चंद्राकर जी की पुण्यतिथि पर शामिल होंगे सीएम। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। फरवरी को राजनांदगांव और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम। विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, राजनांदगांव के भर्रे गांव में सम्मेलन का आयोजन। पुण्यतिथि मिलन और सम्मान समारोह में शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी। 2 फरवरी को राजनांदगांव और दुर्ग जिले के दौरे पर सीएम। विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में शामिल होंगे। राजनांदगांव के भर्रे गांव में सम्मेलन का आयोजन। पुण्यतिथि मिलन और सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम भूपेश। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, कई कार्यक्रम जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। राजनांदगांव के भर्रे गांव में सम्मेलन का आयोजन होगा। पुण्यतिथि मिलन और कई कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। पुण्य इस वक्त की बड़ी खबर, 2 फरवरी को राजनांदगांव और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश। विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन का आयोजन होगा जिसमें सीएम शामिल होंगे। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रा, कई कार्यक्रम जिसमें सीएम भूपेश शामिल होंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग राजनांदगांव जिले के लिए भेंट मुलाकात के लिए रवाना होने वाले हैं, और हम उनका पल चौपल का दौरा कार्यक्रम विस्तार से बताते हैं। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी रायपुर से रवाना नहीं हुए हैं, और कुछ देर बाद रवाना होंगे। वे बाजार चौक भर्रे गांव में राजनांदगांव के जो है 12 बजे पहुंचने का था, हालांकि अभी जो है लेट हो गए हैं, तो उनकी कार्यक्रम लेट चल रही है। और स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे, उसके बाद सहकारी केंद्रीय बैंक के तत्वाधान में आयोजित जो है विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद जो है वो भरगांव से पहुंचेंगे दुर्ग जिले के पाटन तहसील अंतर्गत, मतलब अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जमगांव पहुंचेंगे। वहां के आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लोकार्पण करेंगे, और उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर मूर्ति का वो माल्यार्पण करेंगे। तत्पश्चात जो है जमगांव से कार द्वारा वो रवाना होंगे, और पाटन स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह पहुंचेंगे, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो है लता कुंज तर्रा जाएंगे, वहां पर कुर्मी समाज के कार्यक्रम में पाटन क्षेत्र के जामगांव के में कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके पश्चात वे जो है करीबन 4 बजे जामगांव से रवाना होकर करीबन 4:30 बजे आसपास जो है रायपुर लौट आएंगे, वापस रायपुर आ जाएंगे। जी बिल्कुल चित्रा, राजनांदगांव और दुर्ग दौरे पर भी रहेंगे सीएम, ऐसे में क्या कुछ खास इस दौरे के दौरान रहेगा, मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा के खुद विधायक भी हैं, और वे अपने क्षेत्र राजनांदगांव भी जाएंगे, और उसके बाद वो पाटन क्षेत्र जाएंगे। पाटन क्षेत्र में जो है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल का लोकार्पण करेंगे, और क्षेत्रवासियों को एक बड़ी शिक्षा के लिए जो है सौगात दे जा रहे हैं, ताकि क्षेत्रवासी जो है पढ़ाई जो गरीब और बच्चे हैं उनको भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिले, तो उसको देखते हुए वे इंग्लिश मीडियम जो है वहाँ पर लोग उसका खोलने जा रहे हैं, उसका लोकार्पण करेंगे। और चंदूलाल चंद्राकर जी का मूर्ति है वहीं पर उनका माल्यार्पण करेंगे, और उसके बाद जो है वो पाटन क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करेंगे, और वहां पर सिंचाई विभाग के विश्राम भी है वहां पर भी पहुंचेंगे, लोगों से अपने क्षेत्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार की योजना है और उसको आम जनता तक पहुंचा किस तरह से क्या चल रहा है उसको लेकर भी वो चर्चा करेंगे, अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे, क्षेत्रवासी से भी चर्चा करेंगे। जी अब बिल्कुल चित्रा, इस दौरे को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है?
जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की है तो मुख्यमंत्री प्रदेश की मुखिया है तो उनकी सुरक्षा के लिए जो है पुलिस विभाग को चौकन्ना किया गया है। वहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग को लगाया गया है। क्षेत्र के जो है दुर्ग के एसपी अपने पूरी टीम के साथ वो सुरक्षा में लगे रहेंगे और जहाँ जाएंगे वो पूरी सुरक्षा लगाई गई है। जी ठीक है चित्रा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्र के इस बजट को व्यापारिक वर्ग ने केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए ही फायदेमंद बताया, वहीं आम नागरिकों ने इस बजट को सामान्य बजट बताया है। इसमें गरीबों या मध्यम वर्ग को किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं बताया। आपको बताते हैं कि कुछ लोगों ने इस बजट को चुनावी बजट बताया। सर बजट जो सरकार ने जो पेश किया, मुझे नहीं लगता कि इस बजट से मीडियम क्लास और जो पिछड़ा जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके कोई फायदे में हो। जिस प्रकार से जो बजट होना चाहिए था जिसमें बेरोजगारों के लिए कोई अवसर पैदा होना चाहिए था, क्योंकि बेरोजगारों के लिए भी इसमें निराशा नजर आ रही है। और जिस प्रकार से महंगाई महंगाई की बात अगर हम देखें तो इतनी महंगाई बढ़ गई तो उस महंगाई में राहत होना चाहिए थी, तो ये मुझे एक प्रकार से वही घुमा फिरा के जनता पर भार नजर आ रहा है। बजट पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। ये पूरा चुनावी वर्ष होने की वजह से पूरा चुनावी बजट है ये। इसमें गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए कुछ भी नहीं है, मनरेगा के लिए कुछ भी नहीं है, मनरेगा के लिए भी कोई काम नहीं है इसमें, ये वेतन भोगियों के लिए कुछ नहीं है, सभी लोगों को इससे पूरी तरीके से निराशा हुई है। बजट सामान्य बजट है, चुनावी बजट है, और इसमें जो 7 लाख तक की छूट दी गई है वो विशेष जो लोग नौकरी पेशा करते हैं उन लोगों को इससे बेनिफिट होगा, लेकिन कोई उद्योगपति या इंडस्ट्रीज के लिए इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है। देश में जब GST लागू किया गया था तो एक टैक्स एक देश की एक नीति बनाई गई थी, लेकिन आज भी पेट्रोल पंप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इसमें नहीं लिया गया, पेट्रोल डीजल को। इसके कारण पूरे सभी देशों में, पूरे प्रदेश में, देश के सभी प्रदेशों में इसको। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023-24 पेश किया गया, जिस पर बीजेपी के इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देना चाहता हूं, साथ ही पेश बजट को रोजगार बढ़ाने वाला और महंगाई घटाने वाला भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि, युवा उद्यमी, महिला स्व सहायता समूह सहित सभी वर्गों को मजबूत करने वाला बजट है, जो भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कि ये जो बजट है ये रोजगार बढ़ाने वाला बजट है और महंगाई कम करने वाला बजट है। अगर आप इस बजट को देखेंगे तो गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, जनजाति समाज हो, किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, उद्यमी हो, मध्यम वर्गीय हो, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान है। गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके अगले एक वर्ष तक सुनिश्चित किया गया है कि जरूरतमंदों तक कोई भी हमारे देश में भूखे पेट ना रहे। इसी बीच रायपुर से एक बड़ी जानकारी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अरण्य भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री शामिल होंगे, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और राज्य के वेटलैंड पर आधारित यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में कई विषयों पर भी चर्चा होगी। बड़ी जानकारी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां राज्य के वेटलैंड पर आधारित ये सम्मेलन। बड़ी खबर है जानकारी रायपुर से, विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, अरण्य भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री शामिल होंगे, पुण्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी रायपुर से, विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, अरण्य भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री शामिल होंगे, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं रायपुर से, विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर कार्यक्रम, अरण्य भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री शामिल होंगे।
तो कोंडागांव जिले के केशकाल ब्लॉक मुख्यालय में विधायक केशकाल और विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम ने केशकाल में आदिम जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के तहत पात्र 42 हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र और ऋण पुस्तिका का वितरण किया। 42 हितग्राहियों ने शासन प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने काबिजकास्त भूमि का हक मिलने पर प्रसन्नता जताई है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और परंपरागत निवासियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए पहल की गई है, वो सराहनीय कदम है। तो विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर आपको बता दें, हितग्राहियों के चेहरे पर खुशी दिखी है और हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे बांटे गए हैं। बेमित्रा में लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि दो अलग अलग जगह पर सड़क हादसे हुए और इस तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक महिला भी चलती बाइक से गिर गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने महिला और तीनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। तो बेमित्रा में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। दो अलग अलग जगहों पर हादसे हुए और आपको बता दें कि घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बेमित्रा के ब्लॉक बेरला क्षेत्र में पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है। अवैध कारोबारियों के खिलाफ पुलिस अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने जुआ और सट्टे खेल रहे तीन सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया है। यहां पर पुलिस ने अभियान चलाकर कई अवैध कारोबारियों पर गाज घिराई है और कई सट्टेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बीजापुर जिला मुख्यालय में सद्भावना महोत्सव का 18वां कार्यक्रम इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कोविड-19 के बाद बीजापुर वासियों के लिए कलाकारों ने भव्य मनमोहक नृत्य और गायन से समा बांधा। यह बूगी बूगी नच बलिए फैंसी ड्रेस सहित मिस्टर और मिस बीजापुर का चयन किया गया है। केंद्रीय विद्यालय आत्मानंद स्कूल लंकुर स्कूल के छात्रों ने खूबसूरत प्रस्तुतियों से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक आवापल्ली गांव में पिछले 10 दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सात सही का हड़ताल पर है, जो कि अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के किए गए वादे और घोषणा पत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज पर्यंत तक कोई भी मांग उनकी पूरी नहीं हुई है और ना ही कोई सरकार की तरफ से उनके लिए आया है। और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि चुनावी साल में इस मुद्दे की क्या भूमिका रहती है। फिलहाल पूरे राज्य में लगभग 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हड़ताल पर है और सभी जगह आंगनवाड़ी केंद्र में ताला लगा हुआ है और इस पर भूपेश बघेल की सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। सर, हमारी मांगे जायज है, जो 2018 के चुनाव में जो हमसे सांसद ने जो वादे किए थे, एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया। नाम ने हमारे सामने आई, नाम से कुछ बातें की, हमारी जब मांगों के हमारे हक के लिए जब हमने लड़ाई के लिए गए, तो हमारी सरकारी नौकरी नहीं है सर, हमारे हर एक इस कार्य हम लोग जो करते हैं, सेवा करते हैं, उसको डरा कर हमें धमका कर बैठा देते हैं, पूरा अपने खारे में रह जाते हैं। हमें शासकीय कर्मचारी घोषित करना होगा, हमारे हक की लड़ाई है, हम किसी से भीख नहीं मांगते, जो समान काम करते हैं समान वेतन मांग रहे हैं। धरना स्थल आज 10वां दिन इनका गुजारा जा रहा है और इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी नामबंद
कर्मचारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई भी सरकारी अमला यहाँ आकर के इनसे कोई बातचीत करने के तैयार नहीं है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनसे बात करने को आया हुआ है। हम इन्हीं से जानेंगे कि ऐसा कोई जनप्रतिनिधि इनके पास में आया है क्या जो कि इनकी दुख को समझे और दर्द को जाने, ताकि इनकी जो मांगे हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। दीदी यहाँ पे कोई आपके पास में जनप्रतिनिधि आया है क्या, विधायक के विधायक हो गए या फिर और कोई भी? नहीं सर, आज तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, हमको पूछ के भी नहीं देखे। चार सालों में आप लोगों के पास में कोई भी जनप्रतिनिधि पहुंचा है? नहीं सर, अपने नहीं सर, नहीं सर, आज तक कोई पहल ही नहीं किए सर अपने तरफ से। सर पिछले बार हमारे दो बहनों का भी मतलब एक्सीडेंट में खो दिए थे सर, उसके बावजूद भी सर शासन हमारी एक भी नहीं सुनी है सर। उनको भी सर उनके मतलब शासन की तरफ से कोई मतलब ऐसी घोषणा भी नहीं हुआ है कि मतलब उनके लिए कुछ किया। हम लोग सर ऐसे काम करते हैं सर, हम लोग का भी दुख लगता है सर अपने आप को कि हम हमारा पूरा जिंदगी दूसरों को मतलब हम लोग सेवा भाव में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का दर्द नहीं समझती है सर शासन। सुबह 9 बजे से लेकर हम लोग 3 बजे तक काम करते हैं सर, हर विभाग का काम कराते हैं सर हम लोग, फिर भी हम लोग करते हैं सर। कभी कभी अपने आप को बहुत दुख, कोविड में भी सर हम लोग को कोई ना आदेश है ना सर कोई आर्थिक सहायता दिया गया सर, फिर भी हमको कोविड ड्यूटी के लिए इतना दबाव डाला गया सर, हम लोग कोविड ड्यूटी भी किए हैं सर पिछले बार। और जब हमारी मांगों को रखते हैं सामने, हमें शासन कोई जवाब नहीं देती है, और हमारे हर एक मांग रखते हैं तो कार्यकर्ता को कोई जवाब नहीं मिलता है। जब हर एक कार्य में कार्यकर्ता का सहमति लेता है शासन, जब वोट की जरूरत पड़ती है तब शासन सामने आती है। जब हमारे हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे सामने शासन हाथ ही नहीं है, हमारे कोई वादों को पूरा नहीं करती है। चुनाव वादों को पूरा करना होगा। जब चुनाव के समय वक्त पड़ा तो हर एक शासन के लोग हमारे सामने आके घुटने टेके भीख मांगे। जब हमारी जरूरत पड़ी है, जब हम मांग रहे, हमारे कोई मांगों को पूरा नहीं करता। शासकीय कर्मचारी घोषित करना होगा, हर एक चुनाव के वादों को पूरा करना होगा। हमारी ये मांगे जायज है, अनिश्चितकाल हम बढ़ते रहेंगे, हम डटे रहेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह का आक्रोश महिलाओं में कर्मचारियों में है कि यहाँ पे ना कोई जनप्रतिनिधि इनसे मिलने के लिए आया है, ना ही कोई विधायक के कार्यकर्ता इनसे मिलने के लिए आया है, ना ही सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पिछले 10 दिनों से बैठे हुए हैं उनसे कोई मुलाकात करें और उनकी मांगों को देखें कि किस मांगों को लेकर के वो यहाँ पे बैठे हुए हैं पिछले 10 दिनों से, और आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला जड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी आज तक कोई भी यहाँ पे पहुंचा नहीं है। सतीश अल्लूर की यह खास रिपोर्ट आर्यन टीवी के लिए। आगे बढ़ेंगे। विधायक देवती कर्मा ने कटे कल्याण और कुआकोंडा विकासखंड में स्कूल और पोटा कैबिन का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बच्चों की पढ़ाई से लेकर अन्य गतिविधियों की जानकारी ली है। विधायक ने शिक्षकों को निर्देश दिया कि बच्चों को शिक्षा में किसी प्रकार की कमी आने ना दिया जाए, अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें बताएं और शिक्षा संबंधी जो भी जरूरतें हैं वो उसे पूरा करने का प्रयास करेंगी। तो विधायक ने स्कूल का निरीक्षण किया है, शिक्षा संबंधित जरूरतों का भी विधायक ने भरोसा दिलाया। तो बच्चों की पढ़ाई की जानकारी विधायक यहां पर पहुंच के ली है और शिक्षा संबंधित क्या कुछ जरूरतें हैं उसको पूरा करने को लेकर भी विधायक ने भरोसा दिलाया है। तो कुंटा गांव में शिक्षा संबंधित जरूरतों पर जोर दिया गया है और विधायक ने स्कूल का निरीक्षण भी किया। युवा तंजी में कुरेशी की ओर से सामूहिक निकाह का आयोजन कराया गया, जिसमें 15 से 16 जोड़ों का निकाह हुआ है। इस दौरान समाज के गणमान्य नागरिक और समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बता दें कि युवा तंजी में कुरेश लंबे समय से इस तरह का आयोजन कराते चले आ रहे हैं, जिसमें गरीबों के बच्चों के साथ साथ सक्षम परिवार के बच्चों के भी निकाह किया जाता है। इन निकाह के गवाह दुर्ग ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र एवं हैदराबाद, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से आए हुए लोग भी बने हैं।
सामूहिक निकाह का आयोजन किया जा रहा है। 16 जोड़ों का निकाह कराया गया। अलग अलग प्रदेशों से ये जोड़े आते हैं जिनका निकाह कराया जाता है। तो दुर्ग जल संसाधन विभाग तादुला के उप अभियंता मोहम्मद आसिफ इकबाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दुर्ग पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर में एक पुल का निर्माण करवाया गया था, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग से परमिशन नहीं ली गई, जो कि अवैधानिक है। और वहीं उप अभियंता मोहम्मद आसिफ इकबाल ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। तांदुला वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनके इंजीनियर मोहम्मद आसिफ इकबाल के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर में जो ये तांदुला की जो नहर जारी है, वहां पर से जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को जो है एक पुल का निर्माण करना था, और उसके लिए उन्होंने एनओसी नहीं लिया, इनके द्वारा एनओसी नहीं दिया गया है। तांदुला रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको एनओसी नहीं दिया गया है। उसके उपरांत भी वहां पर कुछ उन लोगों के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में जो है इन्होंने आवेदन थाने में प्रस्तुत किया। ये क्या है, छत्तीसगढ़ का ये जीवनदायिनी है मुख्य तांदुला नहर है ये। इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा एनओसी मांगी गई थी, लेकिन उनके जो आवेदन में लिखा था उसमें ये लिखा था कि नहर के पास, उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहर के ऊपर बनाना है पुलिया, है ना। तो हमने एनओसी तो नहीं दी थी क्योंकि ये लोग नहर के पास बनाने बोले। नहर के ऊपर अगर बनाने बोले रहते तो हम हरकत में तुरंत आ जाते। दूसरी बात ये है, इन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब आप किसी के घर में घुसते हैं तो बैल बजाते तब आप घर में घुसते हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि दरवाजा तोड़ के घुसे। आगे बढ़ेंगे। खैरागढ़ जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ की मांग है कि उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित होने तक कलेक्टर दर में मानदेय दिया जाए। वहीं केसीजी संघ की लता तिवारी, रत्ना साहू, पिंकी ठाकुर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राज्य की सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारियों को की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। स्थिति अत्यंत ही दयनीय है क्योंकि हमारा मानदेय बहुत ही कम है। सरकार ने वादा किया है कि हमारी मांगों को जल्द ही पूरा करेंगे, पर अभी तक पूरा नहीं किया गया। अगर हमारी मांग पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं अपना कार्य कर रही हैं, उनका कहना है कि हमारा समय बढ़ा दिया गया है, समय 4 गुना कर दिया है काम का, लेकिन पैसा उस तरीके से बढ़ाया नहीं गया। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य पूरे साल 365 दिन काम करती है और दिन में लगभग 4 से 8 घंटे उनका काम होता है, उस तरीके से उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। उपेंद्र सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि हम आपको कलेक्टर दर देंगे, लेकिन आज 4 साल हो गए उन्हें कलेक्टर दर नहीं दिया गया। हम लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे सभी जिलों में। छत्तीसगढ़ की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार को आए हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी एक भी मांग को पूरे नहीं किए हैं। और बीच बीच में बार बार हम उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए भी हैं, लेकिन हमारी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। खबर मोहला से है, जहां आदिवासी इलाके मानपुर के रामायण मंच मैदान में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नंद कुमार साय, अभिषेक सिंह, संजीव शाह, ललन प्रसाद मिश्रा, दिलीप वर्मा, नम्रता सिंह, भोजेश शाह, राधिका अंधारे, रेणुका टांडिया शामिल हुए। और इस मौके पर नंद कुमार साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का डंका पूरे विश्व में बजता है। आज प्रदेश में विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से हर संभव मदद देने की बात कही गई है। विकास कार्य प्रदेश में नहीं हो रहा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को घर का रास्ता दिखाया जाएगा। अभिषेक सिंह ने कहा है कि आज आदिवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आवास योजना, पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है।
तो बीजेपी ने लोकसभा प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी ने प्रदेश में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, बेरोजगार युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।